हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो शायद आपके भी मन में आता होगा, जब भी आप कंपनी में काम करने जाते हैं टैली पर, तो यहाँ पर जब आप क्रिएट पे जाते हैं तो यहाँ आपको पेरोल नज़र नहीं आता है। अगर आप शो मोर पे जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको पेरोल नहीं दिखता है। फिर यहाँ से शो इनएक्टिव पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको पेरोल दिखता है, लेकिन ये पेरोल एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो ये एक्टिवेट कैसे होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों दिखा रहा है। इसका जवाब यही है कि यहाँ से जब आप पेरोल को एक्टिवेट करेंगे तभी एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट है कि नहीं ये देखने का क्या तरीका है, आपको कीबोर्ड से F11 फंक्शन बटन प्रेस करना है। यहाँ पे रहते हुए कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए। हमारी कंपनी है राम एंड सन्स, तो हम इसी में चले चलते हैं। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है पेरोल, ये पेरोल वाला सेक्शन देख लीजिए। और यहाँ पर दिया गया है पेरोल मेंटेन पेरोल, तो ये जो है नो है। अगर इसको आप यस कर देते हैं और यहाँ से इसको भी यस कर देते हैं डबल क्लिक करके, तो ये दोनों यस हो जाएगा। अब आप कंट्रोल ए कर दीजिए। अब आप जब जाएंगे अपने उसी वाउचर में और क्रिएट पे जा करके क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक्टिवेट मिलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपने वहाँ से एक्टिवेट नहीं किया है, F11 प्रेस करके आप नहीं गए और ये अभी नो ही है आपका, यहाँ पर देखिए ये नो है, तो आपको इस कंडीशन में सिनेरियो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर पेरोल नहीं नजर आएगा, तब आप शो मोर पे क्लिक करेंगे, शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, तब ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे, चाहे यहाँ पर आप एम्प्लॉय कैटेगरी पे डबल क्लिक करेंगे तो भी यहाँ से भी ये यस हो जाता है और फिर आप एम्प्लॉय कैटेगरी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।